तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ टॉप फर्स्ट जॉब की जो मेरी लिस्ट में है वो 40 to 45 dollars per आवर आपको इजीली मिल जाता है। फॉकनर का है क्रिकेट ग्राउंड और यहाँ पे आपको मोस्टली मुस्लिम से मिलेंगे, मोस्टली ये लेबनीज लगे हैं बच्चे आपस में दोनों खेल रहे हैं। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू MA Vlog वंस अगेन। तो आज तीसरा रोज़ है और रोज़ा रखा हुआ है और आज संडे भी था, छुट्टी थी जॉब से, तो ऊबर आजकल मैंने बिल्कुल मिस कराई है। तो आज मैंने टाइम निकाला था कि मैं आप लोगों के लिए मोस्ट डिमांडिंग वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो हमारे यार जो टॉपिक होगा आज का वो होगा टॉप 5 जॉब्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया विच कैन हेल्प यू टू अचीव इनफ अर्निंग टू यू नो काउंटर योर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फीस। तो बात करेंगे कि कौन सी वो 5 जॉब्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उनके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग सूट करती हैं और उनमें पे रेट क्या है और क्या उनके जो है हमारे रेशियोज़ हैं जॉब्स के एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस। तो आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो हमारी टॉप 5 कैटेगरीज में से जो टॉप 5th नंबर पे जो हमारी जॉब है वो है हमारी क्लीनिंग की, ठीक है। तो क्लीनिंग जो है बेसिकली वो जो मोस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का व्यू होता है वो एक ऑड जॉब कंसिडर होती है, बट मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो लोग यहाँ पर क्लीनिंग कर रहे हैं ना वो एटलीस्ट $30 पर आवर पे काम कर रहे हैं, $30 पर आवर, ठीक है। लोग यहाँ पे सोचते हैं, अब यहाँ पे भी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भाई खुद जो है इस तरह की जॉब्स कर नहीं रहे और हमें ऐसी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो नेपाली होते हैं ना, ये नेपाली आते ही हैं और ये करते ही क्लीनिंग है, ठीक है। और बहुत से ऐसे इंडियंस भी हैं स्टूडेंट्स जो आते हैं यहाँ पे क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग में लोग बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं। उसमें ये होता है कि भाई आपने जाना होता है अपार्टमेंट्स या पूरी बिल्डिंग्स में, ठीक है, और वहाँ पे जाके जितने भी रूम्स होते हैं ना आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि भाई ये 30 हैं, ये 30 जो है मैं क्लीन किया करूँगा। उसमें ऑल्टरनेट डेज पे जाना होता है और क्लीनिंग करनी होती है वो रूम्स की, जस्ट वो क्लीनिंग आप उस तरह से ना लें कि भाई कोई आपने कूड़ा वगैरह उठाना होता है। तो वो भी मैं आपको बताऊँ, यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर कोई भी काम छोटा नहीं होता, ठीक है। कोई भी यहाँ पर अगर आप सोचें ना कि भाई आप फलानी जॉब करोगे तो आपकी शान कम हो जाएगी, यहाँ पर यकीन करें सब पैसे बनाने के लिए ना हर तरह के काम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन वो काम जिनमें आप मेहनत हो, लगन हो और जो है हलाल तरीके से कमाए जाएं, ठीक है। तो कोई भी काम बुरा नहीं होता, उसमें बस ये होता है कि जैसे बेडरूम्स हैं उनको जाके समेटना होता है हल्का फुल्का सा, और बस नाम की क्लीनिंग होती है यकीन करें, और बहुत अच्छे पैसे होते हैं, $30 तक मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर एज, ठीक है। और ये हमारी टॉप 5th कैटेगरी के अंदर आती है, टॉप 5th नंबर पर। और अब आते हैं अपने 4th नंबर पर। तो 4th नंबर पे जो हमारी जॉब होती है वो है पेट्रोल स्टेशंस पे, जो आपको एज अ वर्कर जो काम मिल जाता है उसमें। हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि यहाँ पे भाई पेट्रोल खड़े होके पेट्रोल पंप पे भरना होता है आपको, यहाँ पे वो वाली पेट्रोल पंप्स वाली जॉब नहीं होती, यहाँ पे आपको ना काउंटर पे जो जॉब मिलती है उसमें ये होता है आपने बस एज अ कैशियर काम करना होता है, ये स्कैनिंग वगैरह कार्ड्स वगैरह की, जस्ट ये काम होता है। और ये बहुत ही सिंपल काम है, ये जॉब इतनी आसानी से मिलती नहीं, इसका एक पूरा कोर्स होता है, बट अगर आपका कोई लिंक है या आपका कोई जानने वाला है तो ये आपको जॉब बहुत इजीली भी मिल सकती है। अभी हमारा एक दोस्त आया था, हमारा हाउसमेट है, उसका कोई लिंक था, उसकी जॉब ये वाली लगी है और इस जॉब में आपको $33 पर आवर तक मिल जाता है इजीली, ठीक है। और कुछ सिनेरियोज़ में ज़्यादा भी, और संडे और सैटरडेज़ की शिफ्ट जो होती हैं वो अलग होती हैं। एक और बात आप सबको बताता चलूँ कि यहाँ पे ऐसे नहीं होता पाकिस्तान में जैसे आप पेट्रोल मेंस खड़े होते हैं जो कि भाई वो पेट्रोल भरेंगे गाड़ी में, यहाँ पे हर बंदा अपना खुद उतर के पेट्रोल भरता है, ठीक है। इवन यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी अपना पेट्रोल खुद भरता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वालिटी है, हर कोई अपने जो है ना खुद काम करता होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि मिनिस्टर की तरह आप आओगे गाड़ी लगाओगे और पेट्रोल आपको भर के दे देंगे। अब हम बात करेंगे 3rd नंबर जॉब की, तो इसके बारे में बता दूँ, अच्छा चलो बता देता हूँ। तो ये जॉब है हमारी डिलीवरी की, ठीक है। अब आप ये ना समझिएगा कि मैं उबर ईट्स की बात करने वाला हूँ, मैं हरगिज़ उबर ईट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उबर ईट्स की मार्केट इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है ना, जो बंदा आ रहा है, ठीक है, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान से, उनको पता ही बस उबर ईट्स का है और इतनी ज़्यादा सभी उबर ईट्स कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा डेड हो गया ना काम।
तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो है डिलीवरी की, लेकिन इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ से आपको एयरपोर्ट से डिलीवरीज उठानी होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने अपना किसी भी कंट्री से सामान भेजा, तो आपने उठा के लोगों के घरों में डिफरेंट एड्रेसेस पे डिलीवर करना होता है, ठीक है, इस जॉब के लिए। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है, इसके लिए आपको विक्टोरियन लाइसेंस चाहिए होता है, ये ओवरसीज़ लाइसेंस पे नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन ये जॉब बहुत ही ज़्यादा इन है आजकल, और इसमें आपको मैं बता दूं यहाँ पे 35 से लेके $40 पर आवर तक एवरेज आ जाती है, ठीक है। और अब आप लगा लें हिसाब के भाई, आप दिन में इतना इसको टाइम देंगे तो अच्छा खासा आपको प्रोस्पेक्टस देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन वही एक लिमिटेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है मेरे अकॉर्डिंग, कि विक्टोरियन लाइसेंस, तो वो अगर है तो गो फॉर इट। तो अब आते हैं टॉप सेकंड नंबर जो हमारी लिस्ट में जो जॉब है उसके ऊपर, लेकिन उसका मैं एक ही शर्त पे बताऊंगा, सब जाके फौरन पहले चैनल सब्सक्राइब करो। कल मैं बैठ के अपने एनालिटिक्स में देख रहा था, 93.1% ऑडियंस ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ। यार 50% होता है तो समझ आता है, 93.1% यार हेल ऑफ अ नंबर। तो जाके मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ यार चैनल तो सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा बहुत यू नो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा और आप लोगों का तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलो बता देता हूँ फिर भी, लेकिन कर लेना यार सब्सक्राइब चैनल। तो वो हमारी जॉब है ट्रक ड्राइविंग की, ठीक है। ट्रक ड्राइविंग के लिए हमारे पास ना एक लाइसेंस होता है ट्रक ड्राइवर का, ठीक है। वो आप लाइसेंस ले लेना वंस, तो आपकी समझ लो काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं ट्रक ड्राइविंग में। $40 to $45 पर आवर आपको ईजिली मिल जाता है, ठीक है। और ये जॉब्स भरपूर नंबर में आपको मिलेंगी, ठीक है। सारे जो हमारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, फॉर एग्जांपल कोल्स हो गया, वूल्सवर्थ हो गया, ठीक है, बहुत सारे जो बड़े बड़े के मार्ट हो गए, इनके ट्रक ड्राइवर्स की बहुत सारी जॉब्स इनको ना अवेलेबल है, और इनको बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स चाहिए यहाँ पे। तो ये जॉब आपको ईजिली मिल भी जाएगी वंस यू आर यू नो प्रोफेशनल इन इट, और ईजिली जो आप ये जॉब कर सकते हो और अच्छे पैसे बना सकते हो। आई होप सब ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ टॉप फर्स्ट जॉब की जो मेरी लिस्ट में है, वो है एज एंड डिसेबिलिटी केयर। तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक कोर्स करना होता है बेसिकली, वो आपको $1500 तक उसमें आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। अब वंस यू आर डन विद द कोर्स आपको लाइसेंस मिल जाता है एज एंड डिसेबिलिटी केयर का, और फिर जो है आपको उसमें क्या करना होता है, जो यू नो एजड लोग होते हैं ना उनकी आपने जस्ट केयर करनी होती है, जस्ट यू नो केयर टेकर सुना ही होगा, तो वो जॉब है बेसिकली। उसमें आपको जाना होता है घरों में बस आपने, यार वो बहुत इजी जॉब है यकीन करो, सब जो भी अगर आप लोग करना चाहो ना यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं स्टूडेंट्स, और सिर्फ वीकेंड पे ही ना, वीकेंड पे ही ऑलमोस्ट $500 to $700 दो दिनों में ही बन जाता है, इससे भी ज़्यादा बन जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से सेक्टर में काम कर रहे हो। और जो डिसेबिलिटी केयर होती है उसमें जो डिसेबल लोग नहीं होते, जो मतलब यू नो दे कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन, तो उनका आपने ख्याल करना होता है। यही जॉब है, बहुत सिंपल है, उसमें समटाइम्स बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है ये भी जॉब। तो आप जाते हो, आपने बस थोड़ा बहुत उनका ध्यान रखना है, और वो भी कोई इतना कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी काम है, और इसमें up to $50 per hour आप लोगों को मिल सकता है। और ये जॉब है, बहुत से लोग यूँ घबराते हैं कि भाई $1500 लगाने हैं हमने, तो यू नो पहले थोड़ा सा जो है आप कह लो यो गुड़ डालोगे जितना उतना ही मीठा होगा। तो जब आप कोर्स कर लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है और मैं रेकमेंड भी करता हूँ बहुत से लोगों को। लेकिन यही थी हमारी पूरी की पूरी जो हमारी लिस्ट मैंने आप सबके सामने रख दी, और आई होप आप लोगों को सब बातें क्लियर हो चुकी होंगी, और बहुत से स्टूडेंट्स को आइडियाज भी मिल गए होंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जो लोग बस ऊबर पे रिलाई कर रहे हैं। तो डेट्स इट, तो यही थी हमारी बेसिकली आज की वीडियो, आई होप इट विल हेल्प यू आउट अलॉट। और बस एक ही रिक्वेस्ट थी यार, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो सब, और वीडियोस पूरी देखा करो, लाइक भी कर दिया करो, यू नो आपके भाई का थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, यू नो थोड़ा बहुत एफर्ट ही है हमारी, तो कि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको कि आप एक बेहतरीन रास्ते की तरफ यू नो चल सको। और बस अभी तक के लिए यही था, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, और आपसे मिलूँगा अब एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।